हेलो, हाउ आर यू? आई विश दैट आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं एंड हेल्थी हैं। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था जो मैं आपको पहले बता रही थी, एक बार हम इसको फिर से कर लेते हैं, फटाफट से रिव्यू करते हैं। जो पहली स्लाइड थी, जो उस पे क्या था, जो पहला वाला लेक्चर था, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था। सो वंस अगेन मैं करती हूँ फटाफट से। मैं आपको अकाउंट्स में क्वेश्चन सॉल्व करने का फंडा बताती हूँ, जो एक बेसिक सा फंडा होता है जिसके थ्रू हमारे क्वेश्चन सही होते हैं। आपको मैं वो बताने जा रही हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिए। ये बेसिक सा फंडा अगर आपने जान लिया, देन जो ये अकाउंट्स के इतने बड़े बड़े हम अकाउंट्स बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, अब यू बनाएंगे यू चुटकियों में। सो लेट अस नो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। होप यू आर पेइंग अटेंशन हेयर। एंड एक कॉपी और पेन पकड़ लीजिए। जब भी मैं आप मेरी वीडियोस देखते हैं ना, आप एक कॉपी एंड पेन पकड़ लीजिए, क्योंकि उस टाइम में मैं कुछ ऐसी चीजें बताती हूँ, हो सकता है मैं आपको वो नोट्स में नहीं देती हूँ, आप वो नोट भी करते रहिए। जो भी मतलब मैं बताती हूँ, आप वो नोट करते रहिए। जो भी एक्सप्लेन करती हूँ वो फटाफट से नोट कर लीजिए। वो नोट करने में क्या होगा, जब आप दोबारा इसको पढ़ेंगे ना, क्योंकि आप तो स्टूडेंट हैं, आपको एक बार में तो आसानी से समझ में आ भी सकता है, लेकिन जब आप रिव्यू करेंगे आपके दिमाग से कुछ स्किप भी हो सकता है। माइंड तो भाई ह्यूमन माइंड है ना आपका, क्या करें। तो जब आप दोबारा रिव्यू करेंगे तो आपको, आप ही के लिए अच्छा होगा, आप अच्छा आसानी से समझ सकेंगे। भाई मैं तो दोबारा दोबारा समझाऊंगी नहीं आपको। अब हम इस वीडियो में आते हैं, लेक्चर में आते हैं। फटाफट से क्वेश्चन फंडा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ लेते हैं। ओके, ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2019 विद कैपिटल ऑफ ₹30,000 एंड ₹20,000 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। बी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल एट 6% पर एनम। द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अस द पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3। During 2019, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting to ₹25,000. During the year, A withdraw ₹8,000 and B withdraw ₹10,000 for domestic purpose. Prepare a profit and loss appropriation account. फटाफट से हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब इसका फंडा ये है अकाउंट में करने का। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद हमें ये देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। भाई हमें क्वेश्चन तो मिल गया, ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, हम ये देखते हैं। आधी चीज तो हमारी यहीं पर ही सॉल्व हो जाती है भाई साहब, अगर हमने ये जान लिया कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा भी है, प्रिपेयर करना है। भाई क्या प्रिपेयर करना है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और हमको ये अकाउंट बनाना काफी अच्छे से आता है, हमें पता है हम ये अकाउंट क्यों बनाते हैं। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए भाई साहब, आप ये अकाउंट क्यों बनाते हैं। आप ये अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सको, आप ये अकाउंट इसलिए बनाते हैं। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में बनता है। जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं बनता है। प्रॉफिट निकालने के लिए तो भैया हमारे पास पी एंड एल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो ये जो हमारे पास, हम ये क्यों बनाते हैं, ताकि हमने जो पी एन एल अकाउंट से प्रॉफिट निकाला है, हम वो प्रॉफिट अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम देखेंगे, क्या हम इस क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट दिया है? जी हाँ, इस क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट दिया है। और ये प्रॉफिट यहाँ पे है, फर्म अर्नड ए प्रॉफिट, फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है। और ये प्रॉफिट यहाँ पर है, ये रहा ₹25,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। और ये कैसा प्रॉफिट अर्न किया इसने, बिफोर चार्जिंग सैलरी, लेट मी टेक माई पेन, बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट। ये प्रॉफिट है हमारा सैलरी और इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले। इसका मतलब है इस प्रॉफिट में से फर्म ने पार्टनर्स को सैलरी और इंटरेस्ट नहीं दिया है। यानी कि इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को क्या मिलने वाला है, सैलरी और इंटरेस्ट। उसके बाद ये प्रॉफिट जो बचा हुआ बैलेंस होगा, उसको हम पार्टनर ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस अकाउंट में। अब हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशियो दी गई है तो हम उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशियो नहीं दी गई है देन हम
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशियो दी गई है, रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड दिया है, रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग मतलब सैलरी और इंटरेस्ट को देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को हम रिमेनिंग प्रॉफिट कहेंगे। और हमें किस रेशियो में देना है वो यहाँ पर है, ये 5:3, ये देखो इतना बड़ा बड़ा दे रखा है 5:3, हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अब हम जा रहे हैं अपने सैलरी में, हमें पता चल रहा है कि हमें इस क्वेश्चन में सैलरी भी देनी है और इंटरेस्ट भी देना है। अब कितनी सैलरी देनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड करते हैं, हमें सैलरी देनी है ऑफ ₹500, लेकिन 500 के पीछे तो भाई एक और चीज लिखी और वो है पर मंथ, ₹500 पर मंथ। इसका मतलब है ये सिर्फ एक महीने की सैलरी है, लेकिन भाई साहब हम अकाउंटिंग ईयर तो होल ईयर का बनाते हैं, तो हमें सैलरी भी होल ईयर की निकालनी पड़ेगी, तो हम वर्किंग नोट्स में वही तो करते हैं। अब सारी चीजें क्वेश्चन में थोड़ी दी रहती है, कुछ चीजें तो भाई साहब हमें खुद से भी निकालनी होती है। अब हम क्या करेंगे, सैलरी निकाल पता चल गई हमें, अब हमें देखना है कि इंटरेस्ट कितना दिया है। इंटरेस्ट ऑन दिया है ओपनिंग कैपिटल पे, व्हाट इज योर ओपनिंग कैपिटल गाइस, लिसन व्हाट इज योर ओपनिंग कैपिटल। बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं ना, तो जो हम शुरुआती कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करते हैं उस कैपिटल को कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। बिजनेस जब स्टार्ट हो जाता है, कुछ ईयर्स हो जाते हैं, उसके बाद भी हम उसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ओपनिंग कैपिटल नहीं होता है, वो हमारा होता है एडिशनल कैपिटल। तो ये ओपनिंग कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट निकालना है, और इस उस किस रेट पे निकालना है, 6%, 6% पे निकालना है इंटरेस्ट। और इसके आगे एक और चीज लिखी है पर एनम। अब यहां पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है और वो ये है कि इन भाई साहब ने हमें सैलरी तो पर मंथ दी है, सैलरी तो पर मंथ दी है, लेकिन इंटरेस्ट इन्होंने एनम दिया है। इसका मतलब है इंटरेस्ट हमें एज इट इज इसी रेट पर निकालना है, हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें फॉर्मेट जो है होल ईयर के लिए बनाना है। अब एक और चीज इसमें है इस क्वेश्चन में जो कि हाईलाइट करने वाली है, हाईलाइट मतलब हाईलाइट कर दो, एकदम चमकता सा कर दो, दूर से ही नजर आ जाए, वो ये है बिजनेस की स्टार्ट ऑफ डेट। देखो ये फर्स्ट तो है, लेकिन 1 जनवरी है। देखो यूजुअली हमें क्या होता है अकाउंट्स में 1 अप्रैल मिलता है, लेकिन भाई इन भाई साहब ने तो हमें 1 जनवरी दी है। इसका मतलब है जो हम फॉर्मेट बनाएंगे वो अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, वो होगा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर इन सेम ईयर। और हमें क्या है विथ कैपिटल ऑफ रुपीज, अब जो ये कैपिटल है बिजनेस स्टार्ट में, यही कैपिटल हमारा ओपनिंग कैपिटल है। देखो ये 30,000 और ये रहा 20,000 ओपनिंग कैपिटल है। अब विथ रुपीज 30,000 एंड 20,000 तो लिखा है, अब यहाँ पर ए और बी नहीं लिखा है ना कि ये 30,000 किसका 20,000 किसका, ये तो नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है उससे हम ये एज्यूम करेंगे। कहीं पर भी ऐसा हो तो आप ये एज्यूम करिए कि ये जो है हमें सिमल्टेनियसली मिला है, मतलब कि जो 30,000 है वो फर्स्ट पार्टनर को जाएगा पार्टनर ए, और जो 20,000 है वो सेकंड पार्टनर को जाएगा पार्टनर बी। अब देखो ए का हो गया ये 30,000 और बी को मिलेगा ये रहा, ये मिल गया इसको 20,000, इसका ये है ओपनिंग कैपिटल। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से फॉर्मेट बनाएंगे और फिर हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे, वर्किंग नोट्स में हमें जो भी अमाउंट मिलते हैं हम वो फॉर्मेट में डाल देंगे।